हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को ऐसे स्मार्टफोन के ऊपर क्रिएट किया है जो गेमिंग के लिए बेस्ट होने वाला है, और गेमिंग के लिए ये चारों फीचर्स स्मार्टफोन में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जहाँ तक मेरी सोच और जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया, उसके अकॉर्डिंग ये चारों फीचर्स फ़ोन में होना चाहिए। गेमिंग के लिए वो फीचर्स क्या है, इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और बहुत ही मेहनत लगा। उसके बाद भी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में ऐसे 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जो ये स्मार्टफोन अपने अंदर इन सारे फीचर्स को रखती है। अगर आप अपने लिए एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम की साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन। दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं AS ग्लोबल इन्फो। हमेशा की तरह आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और पास ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेन इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सारे फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे है डिस्प्ले। तो कम से कम एक फास्ट रिफ्रेश वाली 90 हर्ट्ज की स्क्रीन होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे है बैटरी। तो 5000 mAh की बैटरी और इसे चार्ज करने के लिए कम से कम 33 वाट फास्ट चार्जर होना चाहिए। थर्ड नंबर पे मिनिमम 464 GB स्टोरेज होना चाहिए, उससे कम नहीं। एंड फोर्थ नंबर पे है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा होना चाहिए। फोन को रैंकिंग किया गया है, उसमें पता चल जाएगा परफॉर्मेंस के बारे में। आप जान लेते हैं फोन के बारे में। पांचवे नंबर पे है ओप्पो K10 या Realme 9i। दोनों फोन सेम ही है, तो इन दोनों फोन में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट का यूज किया गया है। 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले एंड 90 हर्ट रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी और इसको चार्ज करने के लिए 33 वाट फास्ट चार्जर, Realme 9i 464 GB वाला 12999 में और ओप्पो K10 6128 GB वाला 14999 में। आपको जो भी ब्रांड का स्मार्टफोन पसंद आता है उसकी तरफ जा सकते हैं। चौथे नंबर पे है Realme Narzo 50। इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले एंड 120 हर्ट रिफ्रेश रेट और इस स्मार्टफोन में Helio G96 चिपसेट का यूज किया गया है। 5000 mAh की बैटरी, चार्जिंग के लिए 33 वाट फास्ट चार्जर एंड 6128 GB वाला 15500 में डिस्काउंट या ऑफर रहे तो 15000 में मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे है Redmi Note 11। Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट यूज किया गया है, लेकिन 6.43 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले एंड 90 हर्ट रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी और चार्जिंग के लिए 33 वाट फास्ट चार्जर एंड 664 GB वाला 13999 में। दोस्तों, अगर आपको फास्ट चार्जिंग पसंद है, स्टोरेज की जरूरत है, तो दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। दूसरे नंबर पे है IQ Z6 44 वाट। इस स्मार्टफोन के नाम में ही 44 वाट दे दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी और इसी को चार्ज करने के लिए 44 वाट फास्ट चार्जर, रैम रोम 4128 GB, 6.44 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले एंड 90 हर्ट रिफ्रेश रेट और स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट का यूज किया गया है। इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात की जाए तो 14499 में। अब फर्स्ट एंड लास्ट नंबर पे है Moto G52। 6.6 इंच की POLED स्क्रीन एंड 90 हर्ट रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी जिसके साथ 33 वाट फास्ट चार्जिंग, Qualcomm स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट का यूज किया गया है एंड 464 GB वाला 14499 में। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली होगी, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, और भी बहुत सारे फोन का फुल स्पेसिफिकेशन वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है, यहाँ पर भी शो कर रहा होगा, देख सकते हैं।